Hello, learners. This is Alisha Mahajan from Manik Academy. Hope you are doing well. In this lecture video, we'll be covering fallacy ka part number 2. ठीक है? जिन जिन बच्चों ने fallacy ka part number 2 नहीं देखा है, उनके लिए मैं ये video लाई हूँ. नहीं देखा है का मतलब है कि आपने नहीं revise किया है. You don't know about it. So उसको आज मैं आपको practice करवाऊँगी. जिससे क्या होगा? काफी बच्चे बोल रहे थे MCQs प्रैक्टिस करवाओ, इससे और रिलेटेड टर्म्स करवाओ. सो आज के लेक्चर वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो यस, सो ये है हमारा फैलेसी पार्ट नंबर 2. सो लेट अस टॉक अबाउट इट. सो गाइस, सबसे पहले तो फैलेसी पार्ट नंबर 2 में हमने क्या डिसाइड करना है, और कुछ तरीके के टाइप्स और साथ में कुछ MCQs. सो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तो मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको करवाई थी. एक ड्यू टू दिस भी हो जाती है, फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर ही ये भी आता है. वो क्या है देखें, फैलेसी इन डिक्शन, फैलेसी ऑफ एक्स्ट्रा डिक्शन. अब डिक्शन और एक्स्ट्रा डिक्शन क्या होता है, ध्यान से समझे. फैलेसी ऑफ डिक्शन को हम फैलेसी ऑफ लैंग्वेज या फैलेसी ड्यू टू लैंग्वेज भी बोलते हैं. लैंग्वेज मतलब उसके लैंग्वेज में कोई दिक्कत आ गई है. लैंग्वेज क्योंकि इट्स लाइक इंग्लिश होती है ना, उसमें ना वर्ड्स में काफी दिक्कत होती है, तो वैसे वाली प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी. और यहाँ पर फैलेसी ड्यू टू थॉट्स, हमारा दिमाग उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता, इस वजह से गलती होती है. फैलेसी पता ना आपको क्या होती है, फैलेसीज आर लाइक गलतियां. ठीक है ना? सो कैसे कैसे गलतियां होती है, क्या क्या करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अब एक एक करके. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो These are the fallacy related to language. It is equivocation, amphiboly, figure of speech, accent, composition, division, accident. So, अगर आपने नहीं revise किया है, तो this is the best opportunity for you to revise it. Okay. So, let's get started. देखो, guys. Fallacy of equivocation. Equivocation का क्या मतलब है? ध्यान से देखिए. Equivocation का मतलब है जब जिन बच्चों ने साथ साथ नोट्स बनाने हैं वो लिख सकते हैं, जब वर्ड हमारा एक हो, वर्ड एक हो लेकिन उसको दूसरी सेंस में लिया जाए, दो सेंसेस में लिया जाए, सेंस नंबर 1, सेंस नंबर 2. ध्यान से देखें, पहली लाइन देखेंगे. ठीक है, लाइक इट इज होता ना, इनमें फैलेसी में हम क्या देखते हैं, एक स्टेटमेंट नंबर 1 होती है, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 होती है, फिर हमारे पास उसका कंक्लूजन होता है. सो देखो कंक्लूजन. सो पहला प्रीमाइस क्या कहता है, ओनली मैन इज रैशनल. देखो मेरी बात सुनो, हम पढ़ते हैं ना मैन इज रैशनल, तो जब हम बात करते हैं आदमी दिमाग वाला होता है, तो क्या यहाँ पर हमारे आदमी का मतलब सिर्फ मैन होता है एक्चुअल में, कि वुमेन भी होता है? ह्यूमन बींग्स की यहाँ पर बात करते हैं, हम तो ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ये तो एक तरीके का इडियम होता है. लेकिन अब इन्होंने इसको गलत सेंस में कैसे लिया, ध्यान से देखो. सो ये जो लाइन होती है ना, मैन इज रैशनल, तो उसका क्या मतलब है, हमारे यहाँ पे मैन का मतलब है ह्यूमन बींग. सो इन्होंने उसकी ना दूसरी स्टेटमेंट ये बता दी, अगर आदमी रैशनल है तो कोई भी वुमेन जो है वो मैन नहीं होती. आपको इतना तो पता, मतलब पता है वुमेन मैन नहीं है, वुमेन मैन नहीं है, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि कोई वुमेन रैशनल नहीं है. क्योंकि रैशनल जो होते हैं, रैशनल मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान बोले तो वाइज, जो वाइज होते हैं ना वो कौन होते हैं, सिर्फ मैन होते हैं. सो इस तरीके की जब गलती हम करते हैं, कैसी गलती हुई ये, वर्ड एक था लेकिन इसके मतलब अलग थे. ऊपर वाले में मैन का मतलब था ह्यूमन बींग, ब्रैकेट में मैंने लिखा है ह्यूमन बींग, पेपर में नहीं आएगा. और यहाँ पर वो मैन का मतलब ले रहे हैं मेल पर्सन, क्या ले रहे हैं, मेल पर्सन. सो दैट्स व्हाई ये हमारी हो जाती है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, क्योंकि कंक्लूजन गलत निकाल दिया कि कोई औरत वाइज नहीं हो सकती है. ठीक है, तो ये गलत बात हो गई ना, हम औरतों को तो बहुत बुरा लगेगा भाई. ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा एम्फीबोली, फैलेसी ऑफ एम्फीबोली. अब ध्यान से समझना इसको, इसमें क्या करते हैं, इसमें इंग्लिश को ही सेंस चेंज कर देते हैं. देखो स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़े, उसमें लिखा है वन मॉर्निंग ही शॉट एन एलिफेंट इन हिज पजामास. देखो एक सुबह उसने एलिफेंट को मार दिया, हाथी को मार दिया इन हिज पजामास. पजामास मतलब पजामा पहनकर, पजामा होता है लोअर, जो डालते हो ना लोअर,
ठीक है, नाइट सूट का जो नीचे लोअर होता है, ठीक है, तो कहते हैं पजामा पहने पहने ना उसने एलिफेंट को मार दिया, ये स्टेटमेंट का मतलब था। तो दूसरी स्टेटमेंट में देखो उनने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ ही गॉट इनटू हिज पजामा, इट मींस उन्होंने इसकी सेंस पता क्या ली है कि उन एक मॉर्निंग उसने एलिफेंट को मार दिया अपने पजामे के अंदर। कोई पजामे के अंदर एलिफेंट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो जब हम इंग्लिश की यहाँ पर सेंस चेंज कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ एम्फी बोली। तो एक एग्जांपल है फैलेसी ऑफ एम्फी बोली की। नेक्स्ट चलते हैं फैलेसी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? जब हमारे एक वर्ड के साथ जब ओ आर ई एस या कुछ अलग से एडिशन हो जाता है, जैसे क्रेडिट के साथ यहाँ पर ओ आर लग गया तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो वर्ड को मीनिंग को ही चेंज कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखे, स्टेटमेंट नंबर वन देखे, नेहरू वॉज द मैन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो नेहरू थे ना वो ट्रस्ट वर्दी थे, उन पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्ट वर्दी इंसान थे, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्दी इंसान हमने बोला नेहरू वॉज द मैन ऑफ क्रेडिट, तो इसका कंक्लूजन उन्होंने पता क्या निकाल लिया, ये उन्होंने जिन्होंने कॉमर्स करा हुआ है उनको पता होगा क्रेडिट डेबिट, तो उन्होंने इससे ये समझ लिया कि वो आदमी क्रेडिट वाला है तो वो क्रेडिटर बन गया, ओ आर साथ में ऐड कर दिया और वर्ड का मतलब ही चेंज कर दिया। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर होता है उधार देने वाला, उधार देने वाला, ठीक है ना, उधार देने वाला। और हमारे पास क्रेडिट का मतलब क्या होता है? सिंपल, क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि ट्रस्ट वर्दी पर्सन। तो एक ओ आर लगने से वर्ड की सेंस ही चेंज हो गई। सो जब ऐसे करके स्पीच में एक आधा वर्ड ऊपर नीचे कर दिया जाए तो गलती हो, उसे हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन वेरी इजी, ध्यान से देखें। थ्री इज एन ऑड नंबर, आपको पता है ना थ्री ऑड नंबर होता है, कहते पांच भी ऑड नंबर होता है। तो उन्होंने बोला आगे पांच और तीन कितना हो गया, आठ, कहते आठ होता है 3 + 5। तो अगर तीन ऑड है, फाइव ऑड है, तो इसका मतलब आठ भी ऑड होगा। कितनी मतलब इडियोटिक बात है। सो जब हम दो चीजों को कंबाइन करके, इट मीन ये ऐसा है ये ऐसा है, दोनों को कंबाइन किया तो तीसरा भी वैसा होगा, इस चीज को बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो इन्होंने बोल दिया इस वजह से एट भी ऑड है। इसके बाद कंपोजिशन के बाद आता है डिवीजन। जो डिवीजन वाला होता है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है कंपोजिशन के। इट मींस ये देखो अब उल्टा करते हैं, आठ इवन नंबर है तो हमने यहाँ पर आठ इवन नंबर है तो उसको कर दिया 3 + 5, 8 होता है, इसका मतलब 3 भी इवन नंबर है 5 भी इवन नंबर है। तो अभी ये वाले 3 और 5 लेकिन इवन नंबर नहीं है ना, तो इट मींस इस तरीके से डिवीजन में क्या करते हैं, एक चीज से दो भागों में जाते हैं। और कंपोजिशन में दो से, सॉरी, कंपोजिशन में दो से एक में आते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारी फैलेसी हो गई। अब हम देखते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंटली जब हम रिलेशंस बनाने लगते हैं उसे हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। जैसे मैं एक भाई हूँ, आपका भाई भी आदमी है इसलिए मैं आपका भाई हो गया, तो ये हो जाता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगी, इसके सारे ये एमसीक्यूज करवाऊंगी, ठीक है, जो हम रिवीजन करेंगे अब इसके बाद। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, टेक केयर।